नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे पेड़ों को बचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना पर, जिसके तहत अब पेड़ों को भी मिलेगी बुजुर्गों वाली पेंशन। इसके बाद जानेंगे देसी नस्लों के पशुपालन को किस तरह बढ़ावा देगी बिहार सरकार, 75% की सब्सिडी का मिलेगा लाभ। इसके बाद नजर डालेंगे IIT कानपुर के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर, जिससे बुंदेलखंड में आर्टिफिशियल बारिश कराएंगे वैज्ञानिक। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी और आधुनिक खेती के साथ अब पेड़ों की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार हर दिन नए प्रयास कर रही है, साथ ही किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत सरकार द्वारा राज्य में 75 साल से पुराने पेड़ों को सालाना 2500 रुपये की पेंशन राशि देने का फैसला लिया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने भूमिहीन किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और हवा की क्वालिटी में इजाफा करने के लिए साल 2021 में ही इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब इस योजना की शुरुआत पूरी तरह से की जा रही है। राज्य में अभी तक 3300 से ज्यादा पेड़ों का चयन कर लिया गया है। जैसे जैसे लोग आवेदन करेंगे तो यह आंकड़ा बढ़कर 4000 तक जा सकता है। वहीं सरकार के वन विभाग ने ज्यादा आयु वाले पेड़ों को लेकर आवेदन मांगा है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपके घर में 75 साल या उससे ऊपर की उम्र का पेड़ है तो अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कमेटी द्वारा उस आवेदन का आकलन किया जाएगा। आवेदन के सत्यापन के बाद उस व्यक्ति को पेड़ों को मिलने वाली पेंशन दी जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में देसी पशुओं की नस्ल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते हाल ही में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी जारी किया गया है, जिसके तहत पशुपालकों को 75% तक का अनुदान दिया जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश के डेयरी विकास निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बिहार के पशुपालन विभाग ने देसी नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का प्रस्ताव दिया है। इस योजना में गौशाला बनाने, मवेशियों की खरीद और खेती प्रबंधन की लागत पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 2, 4, 15 और 20 गायों की इकाइयों में साहिवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की गायों की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा पशुपालकों को मिलेगी। इसके अलावा पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री अफाक आलम ने बताया कि प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार होगा। डेयरी विकास निदेशक संजय कुमार ने कहा कि 15 से 20 मवेशियों को संभालने की योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को गौशाला बनाने की लागत का 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और काफी पिछड़े वर्ग के छोटे और सीमांत किसानों को 2 और 4 देसी नस्लों के प्रबंधन के लिए 75% की सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के लोग समान संख्या में मवेशियों के लिए 50% सब्सिडी के हकदार होंगे। मॉनसून की लेट लतीफी और बारिश की बेरुखी के चलते हर साल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए हाल ही में IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश बनाई है, जिसको लेकर हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी की गई। बुधवार को घने बादलों के बीच पाउडर स्प्रे करते हुए एक एयर स्ट्रिप को 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी बारिश हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश से बुंदेलखंड का सूखा खत्म करने की योजना बनाई है। इस तकनीक के लिए राज्य ने IIT कानपुर की ओर रुख किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग कई केमिकल एजेंट को बादलों में मिलाकर उन्हें गाढ़ा करने और बारिश की संभावना बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये एक्सपेरिमेंट सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA की मंजूरी के बाद आयोजित किया गया था। IIT कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने इस आर्टिफिशियल बारिश प्रोजेक्ट को लीड किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारी क्षमताओं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऐसा करने में IIT कानपुर को 6 साल का समय लगा। ST की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तकनीक से बारिश कराने पर 1 घंटे के अभ्यास में लगभग 2 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई है। आर्टिफिशियल बारिश का पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाए, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
ग्रीन टीवी द्वारा 26 और 28 जून को हरियाणा व पंजाब में दो खास किसान चौपालों का आयोजन किया जाने वाला है, जहां हरियाणा कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के सहयोग से 26 जून 2023 को हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित केवीके में किसान चौपाल को आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 28 जून 2023 को पंजाब कृषि विभाग के सहयोग से फाजिलका जिले के अबोहर में दूसरी किसान चौपाल को आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि दोनों ही चौपालों में कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रखरखाव व मिलेट्स की खेती पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सेठ व धानुका एग्रीटेक के प्रायोजन में दोनों ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है, जिनमें करीब 200 से ज्यादा किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। इफको नैनो यूरिया को अमेरिका में निर्यात करने के लिए इफको और कंप्यूटर एंटरप्राइजेस इंक कैलिफोर्निया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आपको बता दें कि आज के समय में इफको नैनो यूरिया की कुल 5 लाख से ज्यादा बोतलें 25 से ज्यादा देशों में निर्यात कर रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण देश में जैविक उत्पादों के लिए परीक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एक आदेश में FSSAI ने सभी नोटिफाइड प्रयोगशालाओं को अपने परीक्षण के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिल्ली में मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दक्षिण भारत से चलते हुए अब मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य भारत और फिर 29 जून को दिल्ली NCR तक पहुंच सकता है, लेकिन इससे पहले उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बिहार और झारखंड में मॉनसून का आगमन हो गया है, ऐसे में अलनीनो का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने संभावित महंगाई से निपटने के लिए अनाजों का स्टॉक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इसके लिए अनाजों की तेजी से खरीद की जा रही है, साथ ही सरकार अनाजों की बुआई से लेकर उत्पादन तक के आंकड़े भी जुटा रही है, ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।